साधारण बीमा क्षेत्र की चारों सरकारी बीमा कंपनियों की बुधवार को देशव्यापी हड़ताल रही। इसका प्रदेश में भी असर रहा। प्रदेश में 400 जनरल इंश्योरेंस कार्यालय बंद रहे। यहां काम करने वाले 4100 कर्मचारी हड़ताल पर रहे। जयपुर में बीमा भवन पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया, द ओरिएंटल और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के कार्मिकों ने प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि 3 अगस्त को केंद्र सरकार ने जनरल नेशनलाइजेशन बिल 1972 में संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया। इसके तहत सरकार अपनी हिस्सेदारी निदेशकों को हस्तांतरित करेगी। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने बिल संशोधन कर सामान्य बीमा कंपनियों को निजीकरण की ओर धकेल दिया। ऐसे बीमा कंपनियों के कर्मचारियों का भविष्य दांव पर लग गया है। जो जिमना एक्ट पार्लियामेंट में पास किया गया है उसके विरोध में हम लोग ने आज पूरे राजस्थान में एक दिन की हड़ताल की है, जिसमें करीब करीब हमारे 4000 कर्मचारी और करीब 400 ऑफिस जो पूरे राजस्थान में आज पूरी तरह से ताला बंद है। ये हड़ताल इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि जिमना एक्ट में जो संशोधन किया गया है उसमें कर्मचारियों का हितों का तो अहित है ही है, क्योंकि उसमें जो जॉब सिक्योरिटी थी, सोशल सिक्योरिटी थी एम्प्लॉइज की, वो भी दांव पे लगेगी। और सिर्फ जो ये एक मार्ग प्रशस्त किया गया है जिमना एक्ट में परिवर्तन करके, जिससे कि प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी इसमें बढ़ेगी और जो सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा संस्थान है जैसे न्यू इंडिया और इंटर नेशनल और यूनाइटेड, इनका सरकार धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी कम करके 50% से नीचे लाएगी।